नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का सबसे भरोसेमंद चैनल। और आज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक आज रहेगा पढ़ाई या फिर जीडीएस, अभी किसको ज्वाइन करें, क्या करें कंटिन्यू। ठीक है, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट हैं, बहुत लोगों को अभी तक जॉब नहीं मिली होगी और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होंगे ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन में। मैक्सिमम है, हमने जो सर्वे किया था कि आप ज़्यादातर सब्सक्राइबर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बी ए, एम एस सी, बी एस सी और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है। तो अभी हम बात करेंगे दोस्तों कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको अपनी डिग्री परसू ही करनी चाहिए जो कंटिन्यू कर रहे हैं आप, या फिर आपको जीडीएस ज्वाइन कर लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट बनता है कि अगर आप श्योर है कि आपको आगे जाके एसएससी क्रैक करना है, कर लेंगे आप, यानी आपका 100% श्योर है कि ये सब आपको अच्छे से आता है, एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो गए, तो आप जीडीएस को ज्वाइन मत करें। ये आपके लिए अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा अगर आपको ये सब क्लियर करना आ जाता है। ठीक है, कि आपको पकड़ है इस पर। अब बात करते हैं अगर आप कंटिन्यू डिग्री कर रहे हैं और बहुत दूर हो गया जीडीएस का तो क्या करें। तो अब आपको बता दें, जीडीएस का अगर दूर हो गया है और आपकी फैमिली की नीड है कि एक जॉब सिक्योर करना है, तो आपको जीडीएस का जॉब ज्वाइन कर लेना चाहिए, ये रहेगा हमारा राय। और आपको बता दें, जीडीएस में आगे जाके 3 साल बाद ही आपको परमानेंट वैकेंसीज मिलनी शुरू हो जाएंगी एमटीएस की और पोस्टल असिस्टेंट की, तो इस तरह से आप परमानेंट हो जाएंगे, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं, अच्छे परसेंटेज वाले हैं। तो एक और बात अगर यहाँ पे आता है, अगर डिग्री और ये जो आपका डिग्री चल रहा है और आपका जीडीएस की नौकरी सेम शहर सेम जगह में है, तो आपको 100% ज्वाइंट करना चाहिए। आप फ्यूचर में क्या कर रहे हैं ये डिपेंड नहीं करता, आपको प्रेजेंटली ये इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि दोस्तों ये सब मौका बार बार नहीं मिलेगा। और जिसको मिल गया है तो आपने कमेंट्स पढ़े होंगे और कमेंट्स में बहुत ज़्यादा ये आता है कि डिग्री और जीडीएस में कन्फ्यूजन बनी हुई है। तो आपको जीडीएस 100% ज्वाइन करना है अगर आपको ये श्योर नहीं है कि आप आगे जाके कोई बड़ा एग्ज़ाम्स क्रैक करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, जैसे कि एसएससी हो गया वगैरह, ये सब आप जीडीएस के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ पढ़ाई के साथ जीडीएस हो जाए तो बढ़िया बात है। और लेकिन अगर एक ही प्रॉब्लम आ जाता है, अभी अगर दूर कहीं दूर हो गया, तो फिर दोस्तों आपको सोचना पड़ सकता है, आपको वो फैमिली नीड और फैमिली इनकम के ऊपर आपको ये डिपेंड करना है। ठीक है, तो अगर आप सभी का जिनमें से आपका सिलेक्शन हो चुका है वैसे कैंडिडेट्स हमसे अगर ये सवाल पूछे कि ज्वाइन करना है कि नहीं, तो 100% करना है। और जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है या फिर आप नेक्स्ट साइकिल का वेट कर रहे हैं, नेक्स्ट रिक्रूटमेंट का, तो आप ऐसी जगह में वैकेंसी भरें जहाँ पर आपका कॉलेज है, तो आपकी पढ़ाई और ये दोनों कंटिन्यू हो जाएगी। अब एक और सवाल यहाँ पर ये उठता है, क्या जीडीएस की नौकरी करने देंगे अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। तो कोई नहीं पूछेगा आप कॉलेज जा रहे हैं कि नहीं, ये मैनेज करना आपके ऊपर है। ठीक है, कि आप कैसे मैनेज करते हैं, आपको ड्यूटी आवर में ड्यूटी में रहना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। और इसके बाद आपको क्या करना है, क्या प्रिपरेशन करनी है, कौन से क्लासेस करने हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आशा करते हैं आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, आपको जॉब ज्वाइन करनी है अगर आप श्योर नहीं हैं आपके फ्यूचर के बारे में, आप आगे जाके कोई बड़ा एग्ज़ाम क्रैक करेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपका कोई प्लान नहीं है, आपका नाम आ गया है और आपको सिलेक्शन हो चुका है, तो आप ज़रूर जीडीएस को ज्वाइन कीजिए, आगे फ्यूचर आपके लिए ब्राइट रहेगा। और इसी तरह के अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कीजिएगा, और आप हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके सारे जीडीएस से रिलेटेड वीडियो ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।